आज सुबह करीब 8 बजे एक स्कूली बस बेकाबू होकर गुरुद्वारा सिंह सभा रोड पर बने एक जिम के नीचे खड़े कुछ वाहनों व एक नौजवान जो उस समय अपने स्कूटर पर बैठा था पर बेकाबू होकर चढ़ गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि वहां खड़े लगभग आधा दर्जन स्कूटरों का इस हादसे में बुरा हाल हो गया, जबकि घायल हुए नौजवान को इलाज के लिए यहां के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस व बस के ड्राइवर को हिरासत में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी। क्या है सारा मामला आपको बताते भी हैं और उक्त हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि राजपुरा के ही एक प्राइवेट स्कूल एंजल वैली की बस द्वारा सुबह कितने बड़े हादसे को अंजाम दिया गया और क्या कहना था पीड़ित नौजवान व उसके परिवार वालों का और क्या कहना था पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान गुरप्रीत सिंह दमोली का व इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के मालिकों का। कानूनी कार्रवाई हुई, मेरी मांग आई थी कानूनी कार्रवाई हुई ड्राइवर से बस वाले। हाँ जी, मेरा बेटा बलजीत सिंह जो कि सी जी सी लांडरा कॉलेज पढ़ता सी इतने जिम च लगे हुए सी, इस वेले जिम कर लाण आया, जिम ला के जो उतरिया पहला दिन सी ते दूजी साइड तो आउटसाइड आ के एक स्कूल बस ने बड़ी अणगहली नाल जो ड्राइवर बस चला रहा सी उन्हें आके 6-7 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, जिस से मेरी एक्टिवा बिल्कुल चकना चूर हो गई, जो कि थाने जाके रेडी दे जाके थाने भेजी गई। बस वाले दे ड्राइवर से कोई चंगी वो होनी चाहिए कार्रवाई सख्त तो सख्त। एंजल वैली स्कूल दो मिनट में कॉल कर रहा प्लीज। ये है जी एंजल वैली स्कूल की बस जो कि अज सवेरे 8 बजे दे करीब बाजार दे विचों लंघते हुए काफ़ी सारे स्कूटरां दे उत्ते बेकाबू होके चढ़ी है ते बहुत नुकसान किया, एक बंदा फटड़ भी होया है ते बाकी उस दे बारे मैं थोड़ा दसदा सी। हुण सिटी थाने आए सी ते रिपोर्ट लिखाण तां कि दसो। गुरप्रीत मुल जी है पेरेंट एसोसीएशन के प्रधान, साढ़े गुरप्रीत मुल जी दसणगे की हादसा होया सवेरे। सत श्री अकाल जी, अज एक एंजल वैली पब्लिक स्कूल दी बस जो कि CBSE तो एफीलेटड है टाली वाले चौंक तो सिंह सभा गुरद्वारा साहब वाल जा रही सी ते रोंग साइड ते जाके इन्होंने एक जिम है जिम दे बाहर खड़िया एक्टिवा ते बस चढ़ाती ते एक व्यक्ति दे उपर भी बस चढ़ी है जो कि होस्पिटल दे विच इस टाइम ते असी उस बंदे विच हुण थाना सिटी विखे सारे खड़े हैं दोस्त जिन्हां जिन्हां दी एक्टिवा दा नुकसान होया ते असी उहदी कंप्लेंट उन्हां नूं दित्ती है कि जिहड़ा स्कूल दी जिहड़ी बस चला रहा सी ड्राइवर उस बस ड्राइवर दे कोल ना तां लाइसेंस सीगा। मौके ते पुलिस की हाजरी दे विच उसदी असी वीडियो बनाई हुई है, पुलिस की हाजरी दे विच उन्होंने ड्राइवर नूं पुछिया कि भाई तेरा लाइसेंस, उन्हें मौके ते कोई लाइसेंस नहीं दिखाया ना उहदी कोई वर्दी पाई हुई सी ते ना ही बस दे विच लेडी कंडक्टर सी। हुण इह नहीं पता कि इह बच्चे छड्ड के आया सी के बच्चे लैके जा रहा सी इहदे बारे उसने पता सीगा ते असी हुण इह मंग कीती है कि जिन्ने मेरे वीरां दी एक्टिवा दा नुकसान होया टोटल डैमेज हो गई इन्हां सारिआं नूं नवीआं एक्टिवा कढ़ा के दित्तियां जाण अते जेकर इहदी शुकर है परमात्मा दा कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। चलो एक्टिवा तो कोई गल नहीं लख 2-4 लख दीआं होणीआं पर जेकर किसी की जान चली जाती इस स्कूल की वजह करके असी मंग करदे आ भी इह स्कूल दे मालकां दे खिलाफ अते ड्राइवर दे खिलाफ परचा दर्ज होना चाहिए अते जेकर परचा दर्ज ना होया असी इस संबंधी मुख्यमंत्री नूं भी मिलांगे, एजुकेशन सैकटरी नूं भी मिलांगे, बाकी ट्रांसपोर्ट दे सैकटरी नूं, ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं, सिक्ख्या सैकटरी नूं, असी सारे नूं कंप्लेंटां भेज रहे इन्हां दीआं ते बिल्कुल इस ते जद तक असी कार्रवाई नहीं करा लैंदे इन्हां दे दोषियों नूं सज़ा नहीं दे लैंदे असी बिल्कुल टिके नहीं बैठांगे ते असी थोड़े सारे सहयोग की भी मांग कर रहे हैं ताकि इहो जिहा हादसा अगे तो ना वापरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का। आ जी सारे बंदे जिन्हां बाई जी दियां एक्टिवा टुटियां हैगियां बाकी तुहानूं साडे प्रधान जी गुरप्रीत सिंह धमोली जी ने दस दिता है। बाई जी कितनी कितनी टुटी हैगी है ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਲੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ,
ਮਤਲਬ ਕਚੂੰਬਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਐਕਟਿਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਚੀਥੜੇ ਉਤਾਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਾਰੂ ਰਾਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਤੌਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਹੋਰ ਰਗੜਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਕਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ जैसा कि आपने देखा कि स्कूल बस के ड्राइवर की एक लापरवाही के कारण कितना बड़ा हादसा हो गया प्रशासन को इस ओर खास ध्यान देना चाहिए इस मौके पर पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान सरदार गुरप्रीत सिंह दमोली की ओर से भी थाना सिटी में इस मामले संबंधी एक अलग से शिकायत दी गई है अब देखना यह होगा कि आगे से ऐसे हादसे ना हो प्रशासन इस पर क्या ठोस कार्रवाई करता है राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 89 लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन